कि आपने जिस लड़ाई को छेड़ा है ये लड़ाई छोटी नहीं, हौसला मत हारिएगा, ये यकीन जानिए कि जीत आपकी होगी। आपकी टीचर इंचार्ज बैसाखी बनर्जी ने जो रवैया आपके तहीं अपनाया है, मैं समझता हूं कि वो न सिर्फ ये की निंदनीय है, बल्कि उसने उनको, अगर मगरबी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी में थोड़ी सी भी हस्तासियत है तो उससे कार्रवाई भी उनको करनी चाहिए। ऐसा कहीं होता है कि कॉलेज चल रहा हो और कॉलेज के अंदर ताला बंद हो, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही हो और सर्वर डाउन हो, ऐसा नहीं होता। आपके साथ की और भी आपकी बहनें जो दूसरे कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, जब उनसे आप मालूम करेंगे तो मालूम यह होगा कि उनकी ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, ऑनलाइन फॉर्म भी भरा जा चुका है, उनका एडमिशन हो चुका है, उनके रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे मैं कोई सियासी बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये किसी न किसी साजिश का नतीजा ज़रूर है। अगर ये साजिश नहीं है आपके करियर को बर्बाद करने की, तो फिर आखिर आज 4 दिन के बाद भी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मगरबी बंगाल की गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा आपके पास नहीं आया? क्या इसकी रिपोर्ट उनके पास नहीं जाती? या आपके आसपास जो पुलिस के लोग हैं, इन्हीं पुलिस के लोगों में वो लोग भी होंगे जो यहाँ से आपकी एक एक पल की रिपोर्टिंग करते होंगे कि कितने लोग बैठे, कौन आए, कहाँ से आए, क्या कहे, आपने क्या खाया, क्या पहना, ये सारी रिपोर्टिंग जाती है। तो क्या ये रिपोर्ट नहीं जाती कि इनका एडमिशन नहीं हुआ है, इनका रिजल्ट तक कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया है? दूसरी बात ये कि बैसाखी बनर्जी लोगों को सोशल मीडिया के जरिए गुमराह कर रहे हैं, तो आप में से जो लोग भी सोशल मीडिया पे हैं वो उन लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप लोग इसको काउंटर कीजिए और ये बताइए कि ये झूठ बोल रही हैं, ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसा कर रही हैं। नहीं तो अगर आपकी पढ़ाई हो रही होती तो इस ठंड में आपको क्या ज़रूरत थी कि आप रोड पे आके बैठी हैं? ये एक नॉर्मल सी बात है, एक कोई भी कम पढ़ा लिखा आदमी जिसकी सामाजिक ज़िंदगी नहीं भी होगी वो भी इस बात को समझेगा कि इस ठंड में अगर कोई आके रोड पे बैठा है, और ख़ास तौर से वो बच्चियां बैठी हैं जो कॉलेज की अपनी पढ़ाई शुरू कर चुकी हैं, तो उसे ये समझ में आएगा कि इनका दुख ज़्यादा है। अगर आपका दुख नहीं होता तो आप नहीं बैठते। मैं समझता हूँ कि आपने जो लड़ाई छेड़ी है, इस लड़ाई को हम सब लोगों के मिलके और मजबूत करने की ज़रूरत है, इसलिए कि आज ये मिल्ली अलमीन गर्ल्स कॉलेज का मामला है, कल ये मामला और बढ़ेगा। टारगेट ये इनका है, ये जो मिल्ली लगा हुआ है ना, सारी दिक्कत इससे है, इसलिए आपको अपनी लड़ाई को और मजबूत करना है। और मैं अपनी तरफ से आपको ये वादा करता हूँ कि मैं जब तक हूँ कलकत्ता में, मैं आपके साथ हूँ, मैं यहाँ नहीं भी रहूँगा तो भी आपके साथ रहूँगा। मेरी मेरे साथी हैं, मैं अपनी पार्टी का नाम लेना भी नहीं चाहता, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ की कोई पॉलिटिकल बात हो, यहाँ पे लोग हैं, मैं इन लोगों से कॉन्टेक्ट में हूँ, सोशल मीडिया पर हूँ, यहाँ से लोग लाइक करते हैं, मैं उसको शेयर करता हूँ, मैंने खुद भी लाइक किया है। और आपकी लड़ाई मैं ये चाहूँगा कि यहाँ से अगर नहीं हल होती तो हम लोग इस लड़ाई को और बढ़ाएं, इसलिए कि ये गूंगी बहरी सरकारें जब सत्ता के नशे में चूर हो जाती हैं तो इनको मजबूर करने के लिए हमें अपने घरों से बाहर आना पड़ता है, हम मजबूरी में सड़कों पर आते हैं और सड़कें जाम करते हैं। आपने देखा होगा आज ही कल एक प्रदर्शन और चल रहा है, वो किसानों का है, वो उस गूंगी सरकार के खिलाफ है जो दिल्ली में बैठी है, एक प्रदर्शन आपका है जो इस गूंगी सरकार के खिलाफ है जो कलकत्ता में। आप लोग हौसला मत हारिएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है, इसलिए कि अगर आपने अपना दिल थोड़ा सा भी छोटा किया तो ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, आपको बिखेर देंगे और इनका काम हो जाएगा। आप एकजुट रहिए, हम आपके साथ हैं
और हम क्या, हमारे जैसे हजारों लोग आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह, और आप अपनी लड़ाई में कामयाब होंगे। अल्लाह हाफिज। हज़रत इफ्तिखार साहब, आप गुज़िश्ता 3 दिनों से इस धरने में शामिल हो रहे हैं, इन बच्चियों का दर्द समझ रहे हैं, कहाँ तक इन्हें इंसाफ दिलाने में आपका लाहे अमल क्या होगा, किस तरीके से इन बच्चियों को इंसाफ दिलाएंगे? आज 4th दिन है, इन बच्चियों के साथ हम बराबर मतलब कि यहाँ पे आ रहे हैं, हम बच्चियों के साथ बातचीत हो रही है हमारी। जहाँ तक इंसाफ दिलाने का सवाल है कि वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो है कांग्रेस का, हम उसके जनरल सेक्रेटरी हैं, हम इनकी पूरी भरपूर मदद करेंगे। जहाँ तक हमारी आवाज़ जाएगी हुकूमत तक, हम इनकी आवाज़ को हुकूमत तक ले जाएंगे। लेकिन अफसोस की ये बात है कि आज 4th दिन है, हुकूमत के तरफ से नहीं कोई मुकामी MLA आया है और नहीं MP आया है, नहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई भी अफसर आया है, और नहीं चीफ मिनिस्टर इन बच्चियों के बारे में कुछ इंक्वायरी करना पूछ रही है। आखिर क्या वजह है कि हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है? क्या मिली अल अमीन कॉलेज है इसलिए नज़रअंदाज कर रही है, या कोई और वजह है? हुकूमत कहती है, चीफ मिनिस्टर कहती है कि हम मुसलमानों के हमदर्द हैं, लेकिन हमारी बेटियां, हमारी बहनें 4 रोज से एक ठंडक में, सर्दी में रास्ते में बैठी हुई हैं, कोई हमारा कोई हाल पूछा नहीं है कि आखिर क्या डिमांड किया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इन बच्चियों का मतलब के मुस्तकबिल से ना खेलें, ना हुकूमत ना हुकूमत आपके इनके कैरियर से खेले, ना ही आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई भी आए यहाँ पे इन बच्चों से बातचीत करे। जो एग्ज़ाम इन लोगों का मतलब के होल्ड में है, इसको एग्ज़ाम को जितना जल्दी हो सके एग्ज़ाम लिया जाए। आज का मार्कशीट मतलब के नहीं दिया जा रहा है, उसको आपके दिया, आपके मार्कशीट उनके हाथों में दिया जाए। आखिर कॉलेज में ताला क्यों लटका रहेगा? ये तो कोई कारखाना या कोई फैक्ट्री नहीं है कि यहाँ पे ताला लगा के यहाँ पे जो आपके लेबर यहाँ पे या प्रोटेस्ट करेगा। ये स्ट्रेन है, इसको क्लासरूम में बैठने का है। हम यही डिमांड करें जितना जल्दी हो सके आप इन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करिए, वरना माइनॉरिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस यहाँ पे एक ज़बरदस्त यहाँ पे प्रोटेस्ट करेगी और एक दूसरा शाहीन बाग बनेगा पूरा मगरबी बंगाल। हम यही अपील करते हैं कि जितना जल्दी हो सके हुकूमत मगरबी बंगाल इन बच्चों से आके बातचीत करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसके जरिए बताया जा रहा है कि इंतजामिया के इसमें पूरी लापरवाही है, जो बैसाखी बनर्जी के जरिए बताया जा रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि बैसाखी बनर्जी तो हैं, उनकी लापरवाही की वजह से और उनकी वजह से आज ये बच्चे यहाँ बैठी हुई हैं। तो हुकूमत भी अंधी और गूंगी बनी हुई है, वो क्या कर रही है? यानी दोनों का मिली भगत है इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि ये मिली अल अमीन कॉलेज है और कुछ नहीं। बैसाखी बनर्जी अपने एक इंटरव्यू में खुद को बेगुनाह साबित कर रहे हैं, वो अपने आप को मासूमियत अपने आप को दिखा रही है कि हम मासूम हैं। अरे आप तो प्रिंसिपल हैं, अगर कॉलेज का दरवाजा में अगर ताला लटक रहा है तो आप तो प्रिंसिपल हैं, टीचर इंचार्ज हैं, आके ताला को तोड़वाइए। आपका पूरा राइट होता है तोड़वाने का, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करके ताला को तोड़वा के और जो ज़रूरती मदद काम है पेपर्स का उसको कम्प्लीट करिए। आप बहाना बना के घर में बैठिए मत, इन लोग के मुस्तकबिल से खेलने का आपका कोई हक नहीं है। जाहिद हुसैन साहब, आज धरने का 4th रोज है और कंटिन्यू आप इसको ये इसमें शामिल भी हो रहे हैं। आज आप लोगों का धरने का, आज आप लोग खुद भी बनियापुर थाना जाने वाले थे, कहां तक उस पर आप लोग अमली जामा पहना है? हमने परसों ही ऐलान किया था कि बच्चियों के साथ नन पोलिटिकल एक डेपुटेशन किया जाएगा बनियापुर थाने में, लेकिन हमारी जो बच्चियाँ हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ हम लोगों का जो है रब्ता नहीं हो पाया किसी कारण की वजह, और मशवरा नहीं हो पाया। इंशाअल्लाह ताला हम लोगों ने जो डेपुटेशन की जो बात कही है वो डेपुटेशन हम लोग देने जा रहे हैं, बहुत जल्द उस तारीख का ऐलान करेंगे। इसलिए हम लोगों को पता चला कि कुछ जो है हमारे जो धरने प्रदर्शन में जो बच्चियाँ बैठी हैं और जो लोग इस धरने को चला रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनके साथ सरकार दर पर्दा बात कर रही है। इस बात का हमें थोड़ा सा इल्म हुआ है, तो हम लोग वक्त देना चाहते हैं सरकार को भी और धरना प्रदर्शन में कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को भी कि सही मानों में सही दिशा पर ये चल रहा है या नहीं चल रहा है,
अगर वक्त रहते यहाँ की सरकार हमारी वजीर आला ममता बनर्जी अगर इस मसाइल को इस मसले को हल कर देती है तो हम उनका हम हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनुदी हासिल करने की बात है। अगर हमारी बच्चियों की तालीम और उनका फ्यूचर अगर बच जाता है और उनका जो है एक साल बर्बाद नहीं होता है और मिली अलमीन कॉलेज वक्त रहते खुल जाता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, ये आंदोलन के लिए भी बड़ी बात होगी और हमारे समाज के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी। हम चाहते हैं कि इसका इस मसले का हल जल्द से जल्द हो, वरना जो तहरीके चलाने की बात है, तहरीकें जब चलनी शुरू होगी तो इंशाअल्लाह ताला सिर्फ पीछे मुड़ने की बात नहीं होगी और तहरीक चलेगी। और जिस दुश्वारियों के साथ आज अंधेरे में बैठकर हमारी बच्चियां जिस तरह से तहरीक चला रही हैं, ये हमारे लिए मिसाल है और उन लोगों के लिए आईना है जो लोग अपनी आईना में अपनी सूरत देख रहे हैं और इस मसले को हल नहीं करना चाहते। हम उनसे भी गुजारिश करेंगे और इल्तिजा करेंगे और गुहार लगाएंगे कि आप सामने आएं और इस मसले को हल करें। जो लोग कहते हैं कि बच्चियां पढ़ना नहीं चाहती, आज बच्चियां बीए वन में, कॉमर्स में की बच्चियां यहां बैठी हैं, तमाम बच्चियां बैठी हैं, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की बच्चियां हैं, बहुत सारे ऑनलाइन में जो एग्ज़ाम दिए उनको मार्कशीट तक नहीं मिला है और साथ ही साथ उनको आगे की तालीम करने नहीं दी जा रही है। साजिश के तहत ये हो रहा है। कौन लोग इसके साथ है, कौन लोग मैनेजमेंट के लोग, कौन जिम्मेवार है, ये सामने आए और सरकार को इसको बेनकाब करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि मिली आलामीन कॉलेज सही मानों में लॉकआउट हो गया है या लॉकडाउन कर दिया गया है, चाहे बच्चियों को मुस्तकबिल से खिलवाड़ किया जा रहा है, हमें अब तक बताया नहीं गया है। हम बार बार गुहार लगा रहे हैं, बार बार फरियाद कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि बच्चियों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ कौन कर रहा है, चाहे राज्य सरकार शिक्षा मंत्री कर रहे हैं या वजीर आला मुख्यमंत्री, इस पर बयान आना चाहिए। चार दिन से लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, ऑफिशियली बयान नहीं आया है, इसका हम इंतजार कर रहे हैं। अगर बयान नहीं आता है तो पहली आज वीकडे का पहला दिन था जो सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए था, ये मामले को अब तक सरकार संज्ञान में नहीं ले पाई है और सरकार सबर और तकम्मुल, बच्चियों के सबर और तकम्मुल से खेलवाड़ कर रही है। आज बच्चियां यहां पर बैठ के ठंडे में बैठ के जिस तरह से मुजाहरा कर रही हैं, जिस तरह से आंदोलन को चला रही हैं, सरकार इनकी इनका इम्तिहान ले रही है। मैं यही कहना चाहता हूं, बच्चियां आज अंधेरे में रोशनी पैदा करना चाहती है, आप आगे आएं और इस रोशनी को पूरे मगरबी बंगाल में फैलाएं, शहर कलकत्ता में फैलाएं और इसका क्रेडिट राज्य सरकार खुद ले। हम यही चाहते हैं कि राज्य सरकार खुद सामने आए और इस मिली आलामीन कॉलेज को खोले। हम उनको शरह देंगे इस मिली आलामीन कॉलेज को खोलने के लिए। हम यहाँ पर सियासत करने नहीं आए, हम अपोजिशन के लोग, हम चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ें और अपने मिल्लत का, अपने कौम का नाम रोशन करें और समाज के लिए आईना बने। दिल्ली से आए हुए ऑब्जर्वर हैं, वकार साहब हैं, वकार आजमी साहब हैं, हमारे साथ बैठे हैं और उन्होंने भी इसी बात को आगे बढ़ाया है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाया है कि बच्चियों के साथ इंसाफ होना चाहिए और मिली आलामीन कॉलेज को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए।